सेंट एंड्रयूज स्कूल बरौली अहिर शमसाबाद रोड आगरा के विशाल एसी हॉल में वर्ल्ड स्कूल कॉम्बैट गेम्स का उद्घाटन पद्मश्री सुशील कुमार और पद्म भूषण महाबली सतपाल सिंह ने मां सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रतिभागी देश ब्राजील, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएई और इंडिया द्वारा किए गए मार्च पास्ट की सलामी ली गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर पद्म भूषण महाबली सतपाल ने आगामी ओलंपिक गेम्स के लिए खेल प्रतिभाओं को तैयार करने की बात कही। ये एक शुरुआत है जो हमें ओलंपिक में ज़्यादा मेडल जीतने और स्कूल गेम फेडरेशन और भारत सरकार का एक यही लक्ष्य है कि बेस बहुत अच्छा बने। हमारा जो बेस है वो इतना स्कूल से ही मजबूत हो सकता है और अब हमारे बच्चे जो हैं वो रूस से, चीन से, ब्राज़ील से, यूएई से और दूसरे देशों से खेलेंगे तो एक हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा उस लेवल पर पहुंचने का। मैं खुद 40 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं भारत का ऐसा पहला खिलाड़ी हूं जिसके 3 एशियन गेम और 3 कॉमनवेल्थ, 6 के 6 में गोल्ड सिल्वर है और 2 ओलंपिक भी खेला हूं। मैं 7-8 वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला हूं। तो मुझे ये हमें 4 साल में एक बार कंपटीशन मिलता था तो वो चीज़ें नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हो पाता था। हम अच्छा होते हुए भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत सके। फिर उसके बाद मैंने एज ए गुरु, क्योंकि भारत सरकार ने मुझे पद्म भूषण, पद्मश्री, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार हरेक सम्मान से किया भारत के श्री रुस्त में, लेकिन ओलंपिक मेडल नहीं था। उसके लिए मैंने फिर गुरु का काम किया। मैंने सुशील, योगेश्वर और इनको सब तैयार किया। आज 3 मेरे शिष्य हैं जो ओलंपिक मेडल हैं। तो ये आज जो ये इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन के जो ओलंपिक स्कूल हो रहा है तो जी नहीं, वो बिल्कुल उसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे पूरे इंडिया में फर्स्ट आए हैं और उनको आगे वो भारत का भविष्य है तो इनको हम ये कंपटीशन देने के बाद फिर इनको 2020 ओलंपिक, 2024 ओलंपिक और 2028 ओलंपिक उसके लिए हम इनकी तैयारी करवाएंगे। वो एक मकसद है स्कूल गेम फेडरेशन का। नहीं, मैं बच्चों को ये अपनी शुभकामना देता हूँ कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, आपको यहाँ जीतना है। आयोजन के संयोजक डॉक्टर गिरधर शर्मा ने एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता का गर्मजोशी से स्वागत सम्मान किया। साथ ही SGFI के महासचिव डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा महाबली सतपाल का स्वागत सम्मान किया गया। आगरा में पहली बार आयोजित होने वाली कुश्ती, ताइक्वांडो, कराटे एवं जूडो की प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर गिरधर शर्मा ने हर्ष व्यक्त किया। आज सेंट एंड्रयूज स्कूल में ISF वर्ल्ड कॉम्बैट 2017 का आगाज हो रहा है। माननीय सुशील कुमार जी, महाबली सतपाल जी यहाँ पधार चुके हैं। हमारे इस कॉम्पिटिशन्स में 6 देशों की टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें कि चाइना, रशिया, ब्राज़ील, UAE, फ्रांस और इंडिया। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समागम है, महाकुंभ है ये खेलों के लिए और सेंट एंड्रयूज स्कूल को, यहाँ के मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम को ये मौका मिला है कि यहाँ पर सभी प्रतिभागी अपना अपना खेल दिखा सकें और दूसरों से भी कुछ सीख के जा सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये कॉम्बैट 2017 बहुत सफल होगा और सफलता के सोपान प्राप्त करेगा। खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। प्रतियोगिता उद्घाटन के मुख्य अतिथि ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने आयोजक की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। मैं सबसे पहले स्कूल को बहुत बधाई दूंगा और SGFI को बहुत बधाई दूंगा और CBSE को कि इतना बड़ा आयोजन आगरा में उन्होंने कराने का एक जिम्मा लिया और बड़े अच्छे तरीके से आज उसकी ओपनिंग आप लोगों ने सबने देखी है। बड़े अच्छे तरीके से उनकी ओपनिंग जो है वो चली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्कूल कॉम्बैट गेम्स प्रतियोगिता सेंट एंड्रयूज स्कूल में लगभग 1 सप्ताह का आयोजन किया गया है। संसाधनों के अभाव में यह प्रतियोगिता प्रतिभाओं को ओलंपिक गेम्स में खेलने में कितनी मदद करेगी यह तो समय तय करेगा। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।